स्टूडेंट्स, दिस इज आर के मिश्रा सर। तो हम अपना जो प्रैक्टिकल का सीरीज है वो कंटिन्यू करते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज के यूज से हम एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले जो सर्किट डायग्राम हमें यूज करना है, तो देखिए एक आपके पास मीटर ब्रिज का एपरेटस होगा। ठीक है, ये उसमें एक ये स्केल लगा रहेगा और स्केल के ऊपर एक वायर होगा। अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसको। ठीक, आपको क्या करना है, ये इसी के साथ अटैच होगा, ये स्केल है आपका। ठीक है, मैं एक रफ स्केच बना रहा हूं। यहां पर आपके पास देखिए एक टर्मिनल होगा, फिर एक बीच में टर्मिनल होगा, फिर एक टर्मिनल, और उसके बाद ये ऐसे कनेक्टेड रहेगा। ठीक, यहां पर आपको एक नोन रेजिस्टेंस लगाना है इस पॉइंट पे। मान लिया उस नोन रेजिस्टेंस को आर कहते हैं। यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस लगेगा जो कि हमारा एस होगा। यहां से हम एक टर्मिनल लेंगे और उसको गैलोनोमीटर से लगाएंगे, और गैलोनोमीटर से एक जॉकी, अभी हम सारा प्रैक्टिकली देखेंगे, जॉकी से लगाएंगे। उसके बाद यहां से हम एक कनेक्शन लेंगे, इसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आई मीन ये वोल्टेज सप्लाई हम देंगे एक्सटर्नल। ठीक है, और हम फिर इस जॉकी को इस पे ड्रैग करेंगे इस 100 सेंटीमीटर वायर पे। ठीक है, जहां पर भी डिफ्लेक्शन इन गैलोनोमीटर जीरो पे आ जाएगा, ठीक है, वहां पर हम अपनी वैल्यू लिख देंगे। और उस वैल्यू लिखने के बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है आर बाय एस विल बी इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल। ठीक है, मान लीजिए ये इतना एल है और ये इतना 100 माइनस एल हो जाएगा। ठीक, यहां से हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, एस विल बी इक्वल टू आर 100 माइनस एल बाई एल। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कनेक्शंस के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारा मीटर ब्रिज है। ठीक है, अगर आप देखो ये नीचे स्केल है जैसा हमने अपने सर्किट डायग्राम में बताया था आपको, देखिए। ठीक है, ये हमारा स्केल हो गया। ठीक है, स्केल के ऊपर ये देखिए एक वायर है हमारे पास। ठीक है, ये एक एंड हो गया और इधर से एक एंड हो गया। आपको क्या करना है, इस एंड से एक वायर लेना है और इसको आपको लगाना बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव से। बैटरी एलिमिनेटर यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ वोल्टेज है, जो हमारे सर्किट डायग्राम में वोल्टेज था। ठीक है, तो हमने अपने मीटर ब्रिज का जो ये टर्मिनल है इससे, अच्छा ये जो है ये इसे कनेक्टिंग वायर्स कहते हैं। ठीक है, इसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया, और उसके बाद जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी एलिमिनेटर का, इसको हम बाय द हेल्प ऑफ वायर इस एंड पर कनेक्ट कर देंगे, ये वाला, यानी कि ये इससे और ये वाला इस पॉइंट से। तो ये हमारा सबसे पहले तो वोल्टेज सप्लाई का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, यहां पर अगर आप नोट कर रहे हो, इस साइड से यानी लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला आएगा, जो ये टर्मिनल था जिसे हम आर कहते थे, ये हमारा नॉन रेजिस्टेंस का है। तो इसको हमने देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट किया है, इसका एक टर्मिनल। ठीक है, और इसका एक हमारा टर्मिनल। रेजिस्टेंस बॉक्स की वर्किंग ये है, देखिए जब हम इसको पूरा कनेक्ट कर लेंगे, देखिए इसको हमने कंप्लीट मान लीजिए कनेक्ट किया, तो अब ये इसमें रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो वायर है ये डायरेक्टली शॉर्ट हो गया और देयर विल बी नो रेजिस्टेंस। बट अगर मैंने यहां पे मान लीजिए 5 के आगे, यहां देखिए अगर मैं 5 के आगे से निकाल लूं, तो ये अब जो हमारा वायर है, अब जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू यानी 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगा, यानी अब हमने जो इनपुट दिया है वो 5 ओम रेजिस्टर दिया है। अगर मैंने यहां से ये भी निकाल दिया तो अब टोटल सीरीज में तो ये 15 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो मान लीजिए मैंने इसमें 5 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए ये पॉइंट होता आपका गैलोनोमीटर का पॉइंट, ये जो बीच का पॉइंट था, देखिए ये वाला पॉइंट यहां पर, इसको आप एक वायर लेंगे और इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ गैलोनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ गैलोनोमीटर है ये आप कनेक्ट करेंगे जॉकी से। ठीक है, ये आपका देखिए ये आपका जॉकी है, इसे जॉकी कहते हैं क्योंकि इसी को हम इस वायर पे हम
ऐसे मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जॉकी से, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ गैलोनोमीटर इस पॉइंट से और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ गैलोनोमीटर जॉकी से हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम अननोन रेजिस्टेंस यूज किए हैं, तो एक वायर यूज किए हैं, आप देखिए, ठीक है, इसे हम रेजिस्टेंस वायर कहते हैं। एक रेजिस्टेंस वायर यूज किया, बस एक चीज आप यहाँ पे इंश्योर करिएगा, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो, क्योंकि अगर ये यहाँ ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको इतने बड़े वायर का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसमें बड़ा वायर लेना है, छोटा ले लोगे तो आपका ड्रॉप नहीं निकल के आएगा, ठीक है। तो अब हम इंश्योर कर लिए कि ये कनेक्टेड, आपस में कहीं टच नहीं है, ठीक। अच्छा, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, क्लियर है। अब हम वोल्टेज सप्लाई देंगे, देखिए यहाँ पर हमने वोल्टेज सप्लाई दे दिया और हमने ऑलरेडी यहाँ पर नोन रेजिस्टेंस 5 ओम का लिया है, अननोन हमें नहीं पता है। अब हम यहाँ से जॉकी लेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो काम करना आपको, पहले तो एक इस एंड पर टच करना है, गैलोनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में देखिए है, फिर हमें इस एंड पे एक बार टच करना है, देखिए इस एंड पे, तो इस एंड पे टच करेंगे तो गैलोनोमीटर का जो है वो राइट हैंड साइड में आना चाहिए, देखिए, यानी इस कॉर्नर पे लेफ्ट हैंड साइड और उस कॉर्नर पे राइट हैंड साइड। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए दोनों साइड में आप टच करते हो और एक ही साइड डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एड करना होगा सिस्टम के अंदर, ठीक। तो अभी हमारे पास चूंकि डिफ्लेक्शन इस साइड भी है, ठीक है, और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड करने पे लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब कहीं हमारा बीच में नल पॉइंट आएगा। अब आप इसको ऐसे इसको स्लाइड करेंगे इसके ऊपर और आपको देखना है कि किस पॉइंट पे आपका नल पॉइंट आता है। तो अगर आप नोटिस करो, मैं स्लाइड कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट, तो ये आप देखिए, ये देखिए, देखिए ये आपका, अगर आप ध्यान दो तो मैं इधर स्लाइड करा था, इधर था तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में था, जैसे जैसे हम राइट की तरफ स्लाइड किए एक पॉइंट आया इस पॉइंट पे, आप देखिए इस पॉइंट पे हमारा गैलोनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट जीरो है, देखिए, देखिए इस पॉइंट पे गैलोनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट जीरो। अब ये पॉइंट स्केल के सामने हमें देखना है, तो स्केल के सामने अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड से इसकी रीडिंग 53 है और ये हो जाएगा हमारा 100-53, ठीक। उसके बाद हमें एज इट इज अपना कैलकुलेशन यहां पर कर लेना है, तो यहां पर जो R है वो हमने लिया है 5 ओम, S हमारा अननोन है, L हमारा 53 आया हुआ है और 100-L की वैल्यू रख के आप S को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे आप डिफरेंट वैल्यूज पर निकाल के उसका एवरेज निकाल के इसमें अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।